Assalamualaikum everyone, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ अपने घर में अपनी फैमिली के साथ खुश होंगे। जैसा कि मैं आपके इसकी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, ये जो मैंने टॉप बनाया था ये 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चा हेल्दी है, अगर बच्चा स्लिम एंड स्मार्ट है तो 2 से ऊपर भी पहन सकता है, 2 से 3 साल का बच्चा भी पहन सकता है। जब भी मैं हर बार आपको ये कहती हूँ, जब आप बनाओ तो जो मैं आपको मेजरमेंट देती हूँ आप उस हिसाब से अपने बच्चे के किसी भी ओल्ड कार्डिगन से या जंपर से टॉप से देख के बना सकते हैं, ठीक है। ये इसकी तो एक कंप्लीट वीडियो और इसकी रिसाइजिंग की वीडियो दोनों अपलोड हो चुकी हैं, और उसके साथ ये अब मैंने मैचिंग ये ट्राउज़र बनाया है। ये ट्राउज़र में मैंने बिल्कुल वैसे ही लिया जैसे मैंने यहाँ बाजू बनाए थे, तभी मैंने बाजुओं को इस तरह किया था कि मुझे ट्राउज़र के साथ मैच करने थे, ठीक है। ये वरना ये बहुत ज़्यादा एक जैसा कंजस्टेड सा हो जाता। बच्चों को थोड़ा सा ऐसे मिक्स एंड मैच ही चीज़ें अच्छी लगती हैं पहनी हुई। ये थोड़ा सा पांचा इसका खुला मैंने बनाया है, क्योंकि ये टॉप के साथ थोड़ा सा खुला पांचा अच्छा लगेगा, ठीक। ये इसी तरह बनाते बनाते ये और ये इसकी बिल्कुल डिटेल वीडियो मैंने बनाई है, जो कि मैं इसके साथ ही अपलोड करूंगी। लेकिन इसकी मैं आपको बता देती हूँ इसकी लेंथ कितनी है। ये टोटल लेंथ यहाँ से यहाँ तक आप 18 इंच कह लो। ये वाली जो फ्रिल है वो जब बच्चा शूज पहनेगा कोई भी तो वो ऐसे आ जाएगी ना, ऐसे, तो वो अच्छी लगेगी शूज के ऊपर आई हुई, ठीक, ऐसे। तो इसलिए इसको मैं नहीं काउंट कर रही, इसकी टोटल लेंथ जो इस वक्त 18 इंच आप कह लें, यहां से लेके यहां तक आप कह लें कि 18 इंच लंबा है, ठीक है। तो आपने अपने बच्चे का ट्राउजर देख लेना है कि उनको कितनी लेंथ चाहिए। और ये मैंने 8 इंच का बनाया है, ये मेरी जो म्यानी थी ये 8 इंच की थी यहां से यहां तक, और ये मेरी यहां से यहां तक 10 इंच है, ओके। आपने अब देख लेना है अपने बच्चे के कि आपने यहां से यहां तक कितनी इनसाइड लेंथ जो ये बनानी है, इनसाइड लेग जो होती है लेंथ, वो कितनी बनानी है। अगर आपको 9 चाहिए तो आप 9 के बाद इस तरह शुरू कर लीजिएगा ऊपर, अगर ज्यादा लंबा चाहिए तो ज्यादा लंबा कर लीजिएगा। ये एक स्टैंडर्ड साइज है जो कि मैं गूगल करती हूँ और वो मुझे मिलते हैं बच्चों के, ठीक है। तो ये तो हो गया, और चौड़ाई इसकी तो मैटर नहीं करती है, कुछ में इसमें बहुत ज्यादा फ्लेक्सीबिलिटी होती है। फिर भी ये 13 इंच आप कह लो, 14 इंच चौड़ा बन रहा है, ठीक है, लेकिन इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसमें परेशान होने वाली नीड नहीं है। तो चले ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरा ट्राउज़र भी ट्राउज़र विद ये टॉप लाइक होगा, एक लाइक का बटन भी दबा दें, और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें, ताकि आने वाले वक्तों में मेरी वीडियोज़ आप तक टाइम पर मिलती रहें। और हाँ, बेल आइकॉन का बटन ज़रूर दबाइएगा। और चले ठीक है, अब मैं इसकी जो मैंने वीडियो बनाई है वो मैं अपलोड करती हूँ। इसकी बैक साइड तो मैंने दिखाई ही नहीं, बैक साइड इसकी ये है, बैक साइड में कुछ भी सिलाई नहीं आ रही, फ्लैट है वो। बच्चे के जब बैठता है तो अच्छी भी नहीं लगती, ऐसे जब बच्चा झुक के चीज उठाता है ना तो वो इतना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए मैंने सिलाई को फ्रंट पे रखा है, ठीक है। चले ठीक है जी, अब हम बनाना सीखते हैं। वूल बताना भूल गई, ये वूल, ये दोनों टॉप और ये ट्राउजर दोनों 300 ग्राम में बने हैं, ठीक है। अगर आपने ये टॉप और ट्राउजर बनाना है तो आपको 300 ग्राम वूल चाहिए, लेकिन मैं आपको कहूंगी कि आप 400 ही लें, क्योंकि इसके बाद मुझे अभी टोपी भी बनानी है, तो इसके साथ फिर वो कवर हो जाएगा सारा, 400 का पूरा सेट बन जाएगा, ठीक है। तो बस मैं ये बताना भूल गई थी, तो चलिए अब हम बनाना इसको सीखते हैं। जो मैंने वूल ली है ये मेरे पास रोबन की डबल निटिंग वूल होती है, ठीक है, और इस ये ऐसे इस तरह ट्विस्ट हुई होती है जिसके अंदर 3 ऐसे धागे, ये देखे, 3 टाइम धागा ये ट्विस्ट हुआ होता है, ये 3, आप इसको 3 प्लाई भी बोल सकते हो। और इसके लिए नीडल चाहिए होती है 4 mm, जो कि साइज 8 होती है यूके, ठीक। और बहुत सारी मेरी बहनें मेरे से ये पूछती हैं कि यह वूल कहाँ से बाय करते हो, तो मैं उनको कहना चाहती हूँ मैं ये यूजुअली ऑनलाइन बाय करती हूँ। आप रोबर निटिंग डालोगे तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगी, लेकिन ये मैं यूके में रहती हूँ, यूके में तो आसानी से अवेलेबल है, मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड के दूसरे कंट्रीज में ये कैसे अवेलेबल होगी कि नहीं होगी, क्योंकि ये यूके ब्रांड है, ओके। मैंने इतना इसका पोर्शन बना के रखा हुआ है,
ये थोड़े से खुले पांचे का ट्राउजर बनेगा, थोड़ा सा पांचा इसका, गर्ल्स को थोड़ा सा खुला पांचा अच्छा लगता है। और इसके लिए ये यहाँ तो मैंने 58 स्टिच डाले थे, 58 स्टिच डालने के बाद ये मैंने फ्रिल बनाई और फिर ये मैंने कैसे बॉर्डर बनाया ये मैं आपको अभी सिखाती हूँ। उसके लिए मैंने सैंपल के तौर पे ये 14 स्टिच डाल दिए हैं। उसको आप ऐसा करोगे कि पहली सिलाई में आप ऐसे एक एंड दो, दो आपने यहाँ सीधे बनाए, धागा आगे एक उल्टा, फिर एक दो तीन मैंने सीधे बना दिए, धागा आगे एक उल्टा, फिर एक दो तीन सीधे, धागा आगे एक उल्टा, यानी कि तीन इस साइड से सीधे, ये रॉन्ग साइड है, उल्टी साइड है, दूसरी साइड हमारी सीधी हो जाएगी, आखिर के भी ये तीन सीधे हो गए। अब देखें ये मेरी सीधी साइड है, ओके, इसमें तीन उल्टे और एक सीधा हो चुका है। अब मैंने ये जो तीन उल्टे हैं वो तो मैं ऐसे ही डालूंगी, एक ऐसे तीन, ठीक। और ये जो जब ये सीधा है इसके साथ मुझे बल डाल के, जाली डाल के एक स्टिच बढ़ाना है, मैं धागे को आगे करूंगी और इसको बना लूंगी। इस तरह यहाँ मेरा एक स्टिच बढ़ गया, फिर धागा आगे तीन मेरे उसी तरह उल्टे हो जाएंगे, 1 2 3। फिर ये सीधे से पहले मुझे जाली बना के एक मैंने स्टिच बढ़ा लिया, फिर तीन उसी तरह उल्टे, और फिर सीधे से पहले जाली डालूंगी और ये बनाऊंगी और दो उल्टे। ये मेरी फ्रंट साइड है। अब रॉन्ग साइड पे मैं जो तो मेरे यहाँ पे सीधे आ रहे हैं वो तो मैं सीधे ही बनाऊंगी, ये सीधा, और ये देखें ये उल्टा है, ये मैंने उल्टा बनाया, और ये जो जाली के साथ बनना था ये भी उल्टा ही उल्टा बनाना है, ये भी मुझे पल करना है। फिर मैं एक दो एंड तीन मैंने सीधे बनाए, धागा आगे ये उल्टा बना, और ये जो जाली के साथ था ये भी उल्टा ही बना, धागा पीछे एक दो एंड तीन, इसी तरह ये मेरी उल्टी सिलाई पड़ जाएगी, ठीक। और एक एक मेरा हर दफा स्टिच बढ़ चुका है। अब फिर राइट साइड पे, ठीक। अब यहाँ जो उल्टे गैप के वो तो ऐसे ही आ रहे हैं ना, ठीक। अब ये जो जाली है वाला वो भी मैंने बना लिया। अब ये जो मेन एक मेरा वाइट जो सीधे स्टिच की, सॉरी वाइट नहीं, सीधे स्टिच की जो एक मेन लाइन आ रही है उससे पहले मुझे एक आगे करके जाली बना के एक स्टिच बढ़ा लेना है। इस तरह ये फ्रिल बढ़ती चली जाएगी और इसका चुनट पड़ेगी, ठीक है। ये मैंने किया ये मेन से पहले, फिर मैंने आगे धागा किया और ये ऐसे बना लिया, फिर ये ऐसे उल्टा हो गया, तीन 1 2 एंड 3। फिर मैंने धागा आगे किया ऐसे, ठीक, ये मैंने इस तरह बना लिए। अब रॉन्ग सिलाई, उल्टी सिलाई पे जो यहाँ सीधे आ रहे हैं तीन तीन के गैप में, वो तो सीधे ही होंगे, 1, और ये जो उल्टा है वो मेरा उल्टा, जाली वाला भी उल्टा बनेगा, और ये ऑलरेडी जो पहले बढ़ चुका है वो भी उल्टा बनेगा, ठीक है। 1 2 3 यहाँ सीधों की जो गैप आ रहा है, फिर उल्टा, ये जाली वाला भी उल्टा और ये भी उल्टा, फिर 1 2 3 फिर ये उल्टा, 3 उल्टे होके जाएंगे और यहाँ एंड पे ये सीधे, ये यहाँ मेरे दो दफा, ये देखें 2 टाइम मेरी ये जाली से स्टिच बढ़ चुका है, दो दो स्टिच बढ़ चुके हैं। अब थर्ड सिलाई पे भी मुझे ऐसे ही करना है, ये जो गैप के उल्टे आ रहे हैं दरमियान में वो तो वैसे ही पड़ेंगे, ये भी सीधा, ये जो जाली बनी थी ये भी सीधा। अब इस मेन जो सीधे के साथ फिर मैंने आगे करके एक और स्टिच बढ़ा लिया, 1 2 3 फिर ये सीधा, ये भी सीधा, अब एक स्टिच मेरा और बढ़ गया। इस तरह आपने जितना लंबा इसको फ्रिल को करना है आप कर सकते हो।
मैंने इसको चार टाइम फोर टाइम मैंने इसके स्टिच बढ़ाए हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, इस पे मैंने इसके फोर टाइम, एक दो तीन चार, फोर टाइम स्टिच बढ़े हैं। और ये फोर टाइम बढ़ने की वजह से इसका मतलब फोर फोर स्टिच बढ़ चुके हैं इनके, ठीक है, मेन के साथ साथ फोर। और इस तरह ये फिर इसकी ऐसे चुनट बन गई है। इसी तरह मैं अभी इसका एक और इसका उल्टी सिलाई डालने के बाद एक और इसी तरह जाली डाल के स्टिच बढ़ाती हूँ। ये देखिए मैंने चौथी दफ़ा इसको डालने के बाद इसकी इसको बंद करना यहाँ शुरू कर दिया है। जितनी लंबी आपने बड़ी फ्रिल करनी है उतने टाइम इसको बढ़ाते चले जाओ, लेकिन ट्राउज़र के नीचे इतना ही साइज ठीक था। बहुत बड़ा अगर आपने कोई ड्रेस बनाना है तो तब तो चलेगा, लेकिन ट्राउज़र के साथ मेरे ख्याल में इतना साइज ही ठीक रहेगा। ठीक है, अब इसको सारे को बंद करके करने के बाद हम इसको कट कर देंगे। अब इसको बंद करने के बाद धागे को इधर से हम कट कर लेंगे। और ये आपने ना ये थोड़ा सा लूज लूज रखना है, बहुत टाइट नहीं करना। जैसे ये देखें, अगर टाइट करोगे तो यहाँ फिर वो यहाँ से ट्राउजर इतना नीट नहीं लगेगा। ठीक है, चलिए जी, अब हमने ये करना है कि यहाँ से हमने इसके स्टिच उठाने थे। ये मैंने 14 स्टिच रखे थे ना, अब मुझे 14 स्टिच ही वहाँ से उठाने हैं। यहाँ से आपने बिल्कुल कॉर्नर से, ये इसका पहला स्टिच है, ये जितने स्टिच आपने फ्रिल के लिए रखे थे उतने ही आपने वहां से उठाने। ये एक, ये देखिए, दो तीन चार पांच छः सात, नेक्स्ट इजीली उठाए जाएंगे, आठ नौ दस, दस ग्यारह बारह तेरह और ये चौदह, ये एंड वाला 14। ये पूरे मेरे से 14 थे, मेरे 14 ही स्टिच मैंने उठा लिए। और ये देखें ऐसे फ्रिल बनी है। ठीक है, अब मैंने अगली सिलाई सीधी सीधी डालनी है। ये पूरी सिलाई मेरी सीधी सीधी हो जाएगी। ये मैंने सिलाई सीधी डाल ली। अब अगली सिलाई पे मुझे ये एक ग्रे कलर का धागा ऐड करना है। ये मैंने क्योंकि इसके जो मैंने इसका लिए जंपर बनाया उसमें भी ऐड किया था, तो आपको अपनी है, आप अपने जंपर में या इसमें डालना चाहते हो या सेम कलर का ही बनाना चाहते हो, ये आपकी अपनी चॉइस है। ठीक, अब मैं यहाँ से दो सिलाइयाँ सीधी सीधी ग्रे की डाल लूँगी, फिर दो पीच की डाल लूँगी। इस तरह ये ऐसे, ये मैंने दो ऐसे करके बस इसको ऐड करूंगी और दो सिलाइयां डाल लूंगी। ये मैंने दो सिलाइयां डाल ली सीधी सीधी, तो ऐसे रिज सी बनेगी। यहां भी जैसे मैंने ये दो ग्रे की डाल ली हैं, अब दो मैंने सीधी सीधी सिलाइयां पीच की डालनी है, फिर मैंने दो फिर ग्रे की डालूंगी, फिर दो पीच की डल जाएंगी। ठीक है, इसी तरह आपका ये बॉर्डर बन जाएगा। इससे अगर बड़ा करना चाहते हो वो भी आपकी चॉइस है, लेकिन ये बिल्कुल ठीक साइज लग रहा है मुझे। तो करने के बाद फिर मैंने आखिरी ये सीधी सीधी सिलाई बना के धागा मेरा अब रॉन्ग साइड पर आया हुआ है। ठीक, इस तरह मेरे पास 1 2 3 4 5 इंचेस तक ये बॉर्डर बन गया है। अब यहाँ मैंने ये किया है कि ये मैंने 58 स्टिच लिए थे, ये उसको मैंने 22 इधर कर लिए, 14 मैंने मिडल में किए, फिर 22 इधर। ये है कि इसमें दरमियान वाले जो 14 हैं उनमें हम डालेंगे डिज़ाइन। ऐसे मैंने इसका एक पांचा ऐसे बनाया हुआ है, उसमें ये देखिए डिज़ाइन डाला हुआ है मेरा। ये यहाँ से लेके यहाँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये 14 स्टिच है और ये 22 है और ये 22 है। ये डिज़ाइन बाहर को जा रहा है तो इसलिए मैंने इनको इसी में अभी रहने दिया है, लेकिन डिज़ाइन डालने के लिए हमें उसको रॉन्ग साइड से स्टार्ट करना है। अभी मैं मेरा धागा ये देखें रॉन्ग साइड पे आया हुआ है, इस साइड पे। अभी तो मैं उल्टा बनाऊंगी क्योंकि ये रॉन्ग साइड है। ठीक है, इसकी मैं ये सारा यहाँ तक उल्टा बना, उल्टी उल्टी सिलाई पर्ल बनाते बनाते यहाँ तक आती हूँ। ये देखें मैं यहाँ तक आ गई हूँ। ठीक,
इसको मैं अब उतार देती हूँ। अब मैंने उल्डोंग साइड यहाँ पे हूँ तकरीबन, ठीक। अब मैंने इसका एक स्टिच ये सीधा बनाना है जो कि यहाँ उल्टा हो जाएगा, ठीक। उसके बाद मेरा एक स्टिच ये उल्टा है, यहाँ उल्टा है, इस साइड पे सीधा हो जाएगा। और उसके बाद मैंने दो यहाँ सीधे बनाए हुए हैं, इट्स मीन इस साइड पे दो उल्टे हो जाएंगे, दो वन एंड टू उल्टे, फिर ये दो इस साइड पे दो सीधे, क्योंकि ये रॉन्ग साइड है हर चीज, ये दो उल्टे दो सीधे, वन टू सीधे, और ये यहां पे दो उल्टे, ठीक। और उसके बाद ये देखें, ये उल्टा है, इसका मतलब यहां पे ये सीधा बनेगा, और ये एंड वाला यहां सीधा है, इसका मतलब यहां पे उल्टा बनेगा। ये मेरे पूरे डिजाइन की पार्टिशनिंग हो गई है। अगर आपको यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही है तो एक दो दफा आपने इसको रिपीट करके जरूर देख लेना है, ठीक है। और बाकी सारी मैं ये सिलाई उल्टी उल्टी डालती हूं। ये मैंने सारे उल्टे उल्टे बनाने के बाद इधर से सीधा सीधा बनाना शुरू कर दिया है सादा, जैसे ये देखें, ठीक। ये देखें, अब मैं यहां ये देखें एक स्टिच है ना, उससे पहले मैंने ये दो स्टिच का एक करके जाली के साथ एक बढ़ा लिया, यानी कि स्टिच तो कम नहीं हुआ लेकिन उसका डिजाइन हो गया। जैसे अब ये जो वन है उससे पहले मैं दो को इकट्ठा बनाऊंगी, धागा आगे और ये बना लूंगी, ठीक। ये मेरा उल्टा रहेगा और ये पैटर्न अब स्टार्ट होने लगा है। इसमें ये करना है कि हमने एक सीधा बनाना है, धागा आगे करना है और फिर सीधा बना लेना है। उसके बाद दो मिडल के गैप के वैसे ही हैं, ये दरमियान में जो आता है, फिर उसके बाद फिर पैटर्न है, बनाया धागा आगे किया फिर मैंने बना लिया ये। अब फिर यहाँ गैप है, फिर पैटर्न है, फिर गैप के दो वैसे ही होंगे, ये पैटर्न है, पैटर्न हो गया, धागा मैंने आगे किया फिर उसको बना लिया, ये साइड का एक है और यहाँ फिर सीधा है, सीधा बनाया, बनाने के बाद अब आगे एक, अब मैंने सीधा बनाया, बनाने के बाद फिर मैंने जाली बना के दो का इकट्ठा किया। इस साइड पे पहले कर लिया था क्योंकि ये इसने इधर को जाना था, यहाँ इधर को जाना था, तो इस दफ़ा मैंने बाद में किया। ये करने के बाद मैंने आगे धागा किया जिससे जाली बनेगी, दो मैंने स्टिच लिए इकट्ठे और इनको ऐसे एक कर दिया, और बाकी ये सारा मैं सीधा सीधा बनाऊंगी और उल्टी सिलाई भी ऐसे ही, जो सीधे हैं नहीं, सारा मैं सीधा सीधा बना के यहाँ तक उल्टे बना के आती हूँ जी। ये मैं उल्टे उल्टे बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। ये जो मैंने जाली के साथ बनाया था ये तो इधर हो गया, और ये साइड वाले हैं। अब ये सीधा, अब ये पैटर्न के, पैटर्न में ये करना है, ये वाले जो पैटर्न में हैं ये इनका ये करना है, इनके साथ जो जाली मैंने यहाँ मैंने सीधा बनाया, उल्टा बनाया सॉरी, ये जो जाली बनाई थी यहाँ जाली को मैंने सीधे बनाना है, फिर मैं आगे, फिर ये दो गैप के सीधे, ठीक। अब ये ऐसे, अगर तो आपने मेरा ये जो मैंने कार्डिगन बना जंपर बनाया, टॉप बनाया, वो अगर आपने इसको वॉच किया तो फिर तो ये आपको पैटर्न समझ आ गया होगा। ये मैंने ऐसे इसको सीधा बनाया और ये, फिर ये दो गैप के पैटर्न के अंदर जो जाली है वो मैंने इस साइड पे सीधी बनानी है, ये दो उल्टा। अब ये साइड का, अब ये पैटर्न नहीं है, ये पैटर्न नहीं है, पैटर्न अंदर अंदर के थे, ये थे, अब ये साइड के हैं, जो साइड के हैं उनकी जाली का स्टिच उल्टा बनेगा, उनकी जाली का स्टिच उल्टा बनेगा, सीधा नहीं बनेगा। और बाकी मैं सारा इसी तरह बना के उल्टा उल्टा और यहाँ सीधा बनाती हूँ। ये देखिए मैं बनाती आ गई हूँ। अब हमने ये करना है नेक्स्ट, तो ये है ना, ये जो जाली, इस जाली के अगले वाले को हमने दो को इकट्ठा बनाना है, ये फिर धागा करके ये मैं जाली बनाऊंगी, ठीक। और ये मेरा सीधा ऐसे ही हो जाएगा। अब ये पैटर्न को अब हमने ये करना है, इस दफा कुछ नहीं करना, ये जो मैंने सीधा है वो सीधा, ये उल्टा है वो उल्टा ही होगा। फिर
कि ये सीधा, इनका मैंने पैटर्न को इस दफा बस उसको इसी तरह बनाना है, इसको कुछ नहीं करना, उल्टा फिर ये सीधा, ठीक। ये तो उल्टे, ये सीधा, ये उल्टा और ये सीधा और ये। अब फिर ये साइड्स में यहाँ, अब इस दफा जाली को पहले बनाने के बाद जाली वाले स्टिच को फिर धागा आगे करके फिर मैं दो का एक करूँगी, तो ये थोड़ा सा साइड को जाएंगे, ठीक है। बाकी सारी सिलाई मैं इसी यहाँ तक सीधी सीधी बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पे फिर कुछ नहीं करना, जो उल्टे हैं वो उल्टे बनेंगे, जो सीधे हैं वो सीधे बनेंगे। ये मैं आप भी सीधे, मैंने सारी उल्टी सिलाई डाल ली, उसके बाद सीधा बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ पैटर्न तक, जो मिडिल में पैटर्न हो रहा है। अब फिर देखो ये 1-2 टाइम जाली बढ़ चुकी है और साथ साथ में ये स्टिच भी कम होता है ना, इसमें बढ़ाने नहीं है, इसमें मुझे बढ़ाए थे। अब ये करना है कि ये जो जाली वाला स्टिच बना हुआ है इससे पहले दो मुझे इकट्ठे बना लेने हैं, इससे पहले इन दो को मैंने इकट्ठे बनाया और अब धागा आगे करके एक जाली सी बना के इसको बना लिया, और इस तरह ये अब 3 टाइम ऐसे इधर को ऐसे वेव होगी। और ये वाला जो डिज़ाइन है मिडल वाला, ये 6 सिलाइयों पे पड़ता है, अभी ये उसकी 6 सिलाई है, पहले मैंने 2 उल्टे 2 से देखिए, फिर जैसे करते ये 6 सिलाइयों में पड़ा है। अब मैंने यहाँ इसको 2-3 उठाया, उठाने के बाद को ऐसे पिक किया, इस उठाने के इसको इधर ले आई, ये 1 बनाया, इन दो को इकट्ठा बनाया। यहाँ मैंने 2 के जाली बना के 3 कर लिए थे, उसी तरह मैंने ये उसकी 3 सिलाइयाँ डाली। अब आखिरी 6 सिलाई में फिर मैंने उनको 2 फिर अगेन 2 कर लिया और ये पैटर्न को ख़त्म हो गया मेरा। एक दफ़ा ये ऐसे किए पीछे से, ऐसे पीछे से मैंने उठाया, ये छोड़ इसको ऐसे आगे कर लिया, ठीक। और फिर ये 2 दरमियान के गैप के, फिर ये बैक, ये पीछे से 2 उठाए, इनको उठा के ऐसे मैंने आगे लाई, लाने के बाद इसको मैंने बनाने के बाद ये 2 मैंने इकट्ठे बना लिए और ये गैप का, ठीक। अब ये साइड वाला शुरू हो गया, 1-2 बनाए मैंने, जाली वाला भी बना लिया, जाली के बनाने के बाद मैंने आगे करने के बाद इन 2 को उठा के इकट्ठा बनाया और इस तरह यहाँ भी जाली बन गई। और बाकी मैं सारा ये इसी तरह सीधा बनाऊंगी और रॉन्ग साइड पे उल्टा हो जाएगा। ये मेरा एक दफ़ा ये देखे पैटर्न कंप्लीट हो गया और एक दफ़ा ये 3-3 भी कंप्लीट हो गए, ऐसे एक दफ़ा यहाँ तक पैटर्न कंप्लीट हो गया है और ये 3-3 भी जालियाँ बन गई हैं। अब नेक्स्ट हमने ये करना है कि जो ये मिडल के थे ये हमारा पैटर्न के ये सीधे बन जाएंगे ये, और जो सीधे थे वो यहाँ उल्टे हो जाएंगे, ठीक। अभी तो मैं ये सारा करके यहाँ उल्टे तक यहाँ तक करके ये मैंने उल्टा बना लिया। अब यहाँ से ये होना है कि जो हम पैटर्न ने चेंज होना है, जो जो हमारे उल्टे वो सीधे हो जाएंगे, जो सीधे हैं वो उल्टे हो जाएंगे। ये मेरे पहले 2 उल्टे थे, अब इनको मैं उल्टी सीधे बनाऊंगी। पैटर्न उल्टी साइड से शुरू होता है तो ये मेरी पहली सिलाई है, 2 उल्टे फिर 2 सीधे, 2 उल्टे 2 सीधे, ठीक है, ये हो गया। अब ये साइड का जो आ रहा है वो तो ठीक है, अब ये फिर वैसे ही डालेंगे। इस तरह पूरी सिलाई मैं इसी तरह डाल के, ये पूरी सिलाई में डाल के यहाँ तक आती हूँ। अब ये देखो हमारा नया पैटर्न स्टार्ट हुआ है, तो जाली भी हमारे नई तरह से स्टार्ट होगी, जैसे ये देखें वो। फिर हमने इसी तरह ये जो हमारी मेन एक 1 हैफ स्टिच, उससे पहले मुझे ये देखिए, ये हमारा मेन एक स्टिच है ना, ये उससे पहले 2 को इकट्ठे बनाना है और फिर कर लेने धागा। अगर आप इसी तरह करते गए तो ये लंबा ऊपर तक जाएगा, ये भी नाइस लगता, लेकिन ये पैटर्न इसी तरह बाजू पर भी मैंने डाला था जंपर के, तो ऐसे ही चलेगा ये। इसको मैंने उल्टा किया, अब ये फिर 2 यहाँ उल्टे आ रहे हैं, जो उल्टे हैं वो मुझे वैसे ही बनाने हैं। ये जो सीधे हैं यहाँ पे पैटर्न सीधा बनाया, धागा आगे किया और ये फिर बना लिया, ठीक। फिर ये उल्टा, 2 उल्टे, इस सीधे को मैंने बनाया
धागा आगे करके जाली बनाई और ये सीधा बना लिया। ये पैटर्न दोबारा उसी तरह रिपीट हो गया जो कि यहाँ से मैंने शुरू किया था। ये दो उल्टे बनाए, ये सीधे, ठीक। अब यहाँ से फिर इसने जाली ने भी यहीं से स्टार्ट होना है। मैंने पहला मेन बना लिया, यहाँ मेन से पहले मैंने किए थे ना, अब यहाँ मेन बन गया। उसके बाद मैंने इसको धागे को आगे किया, दो को इकट्ठे करके बना लिया और ये भी जैसे ही डिज़ाइन शिफ्ट चेंज होगा उसी तरह ये भी साथ साथ यहाँ से बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर मैं पूरी सिलाइयाँ ऐसे डालूंगी उसी तरह डिज़ाइन को लेके जैसे मैंने आपको सिखाया, बनाती चली गई। और ये देखिए जो मैंने इसका एक पांचा बना लिया है। लेकिन एक बात जो मुझे ये करनी है, क्योंकि नीचे से तो ये पांव ऐसे है ना, अब जैसे जैसे इसने ऊपर जाना है इसने ऊपर से खुलना है, क्योंकि ये ट्राउज़र है। उसका मैंने ये किया था कि जब मैंने यहाँ ये देखे बॉर्डर है, ठीक, ये बॉर्डर का था उसका 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मीन 10 सिलाइयाँ, 2 सिलाइयाँ 4 6 8 10। जब 10 सिलाई डल गई थी और 11वीं शुरू होने लगी थी तो मैंने उसका एक स्टिच यहाँ से बढ़ा लिया था, ठीक। बढ़ने के बाद फिर वापस सिलाई डली है ना, 11 12 इस पर बनी। फिर उसके बाद फिर मैंने इसके बढ़ाने के बाद फिर मैंने 2 4 6 8, जब 8 सिलाइयाँ डालनी और 9वीं डलने लगी तो मैंने ये एक स्टिच बढ़ाया, उसके बाद फिर 2 4 6 6 के बाद 7th पे मैंने एक स्टिच बढ़ा लिया, यहाँ फिर 1 2 3 7th में एक स्टिच बढ़ गया 2 टाइम। ये मैं आपको नोट भी कर लेती हूँ। देखिए ये मैंने कुछ उसका वर्कआउट किया है, ये मैंने 58 स्टिच डाले, ये फ्रिल बनी, उसी तरह आपके सामने बॉर्डर बनाया, ये मिडल वाला डिज़ाइन पोर्शन आ रहा था, ये सीधा सीधा आ रहा है, यहाँ मैंने ये 2 4 6 8 10 के बाद एक स्टिच के दो कर लिए, फिर 2 4 6 8 9वीं सिलाई पे 2 स्टिच कर लिए, फिर 2 4 6 7 सिलाई पे मैंने 2 कर लिए, फिर 7 सिलाई पे 2 किए, फिर 2 4 के बाद 5th सिलाई पे 2 4 के बाद 5th सिलाई पे मैंने 2 कर लिए, यहाँ भी 2 सिलाइयाँ 4 5th में कर लिया, फिर 3 टाइम मैंने इसी की तरह किया, फिर 2 के बाद 3rd सिलाई पे मैंने एक स्टिच बढ़ाया, 2 के बाद 3rd सिलाई, क्योंकि ये बिल्कुल एंड पे वो नीचे आ जाता है तो उससे थोड़ा सा जब बच्चा बैठता है तो यहाँ से खुला होना चाहिए, बनाया और इस तरह इसकी पूरी लेंथ कम्प्लीट हो गई, ठीक है। आप इसको मैंने आप भी इसी तरह इसको बनाते जाइएगा। और कितनी दफ़ा ये डिज़ाइन रिपीट हुआ है, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम ये रिपीट हुआ है, या यहाँ आप यहाँ से भी काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 टाइम ये रिपीट हुआ है। और ये इतनी मुझे इसकी लेंथ 1 से 2 साल के बच्चे के लिए बिल्कुल ठीक लग रही है। ये देखें, ये सारा मैंने यहाँ से बनाते बनाते यहाँ तक आ गई हूँ। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने 2 4 6 8 10 11 सिलाई पे मैंने स्टिच बढ़ाया, फिर 2 4 6 8 9 सिलाई पे मैंने एक स्टिच बढ़ाया, फिर 2 4 6 7 सिलाई पे मैंने एक स्टिच बढ़ाया, यहाँ फिर 2 4 6 फिर 7 पे मैंने बढ़ाया, यहाँ 2 4 5th सिलाई के स्टार्ट में मैंने स्टिच बढ़ाया, 1 2 फिर 5th सिलाई के स्टार्ट में बढ़ाया, फिर 1 2 5th 3 टाइम मैंने यहाँ पे 5th सिलाई के बाद स्टिच बढ़ाया, उसके बाद 3rd 1 2 2 टाइम मैंने 3rd सिलाई के बाद बढ़ाया। अब ये मैंने 58 से ये स्टिच शुरू किए थे, अब ये मेरे यहाँ बढ़ के 76 स्टिचेस हो चुके हैं, ठीक है। वो इसकी रीज़न मैंने यहाँ इसलिए बताई थी कि यहाँ से बच्चे की थाई होती है, यहाँ पिंडली होती है, यहाँ इतना खुला नहीं चाहिए होता, यहाँ से बच्चे ने बैठना उठना बार बार, तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा साइज होना चाहिए। और अब इसकी लेंथ कितनी हो चुकी है, इसकी लेंथ यहाँ से यहाँ तक 10 इंच हो चुकी है। ये फ्रिल का पोर्शन अलहदा है, क्योंकि जब आप शूज़ पहनोगे तो ये ज़्यादातर ट्रेनर पे जॉगर्स अगर आपने, या वैसे बेबी शूज़ हैं तो ये ऐसे फ्रिल उठी अच्छी लगेगी उसके ऊपर आई हुई ना, तो ये मैंने 10 इंच का बनाया है साइज। आप फिर भी अपने बच्चे के ट्राउज़र को देख लें इनसाइड लेंथ, यानी कि इनसाइड लेंथ आपकी कितनी है, तो वो उस हिसाब से आप बच्चे की लेंथ रख सकते हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ से जो मैंने पहले एक ये बनाया हुआ था और एक ये बनाया हुआ था, इन दोनों को मुझे एक ही सिलाई में डालना है। यहाँ से यहाँ तक तो पहले मैं वैसे ही बना लेती हूँ, सॉरी, यहाँ से, अब यहाँ से मैं ऐसे करूँगी, ये स्टार्ट है ना,
ये दो जो बनाए हुए हैं इनको मैंने ज्वाइंट करना है, ये मेरी दो लेग्स हैं, इसको मैंने यहाँ मैंने दो स्टिच बढ़ाने हैं, वन टू, टू स्टिच बढ़ा लिए और यहाँ तक मैं इसको ऐसे ही बना लेती हूँ। यहाँ से सीधा जैसे पैटर्न होगा पैटर्न को वैसे ही फॉलो करूँगी और फिर यहाँ पे जी ये मैंने पूरी सिलाई बना ली है। अब ये वाली दो दूसरी लेग थी वो भी मैंने इस सिलाई में डाल ली है, लेकिन इन दोनों को इकट्ठे बना जोड़ने से पहले मैं मिडल में फोर स्टिचेस बढ़ा लूंगी, वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है ये मैंने फोर स्टिचेस कर लिए। अब बाकी मैं सिलाई इसी को इसी तरह इसके ऊपर बनाना इसको ज्वाइंट कर लूंगी, शुरू कर दूंगी सादा ऐसे इनको जो उसी तरह मैं ये पैटर्न के हिसाब से यहाँ से बनाऊंगी। जब मैं एंड पे आऊंगी तो यहाँ पे टू फिर मैं और ऐड कर लूंगी, क्योंकि मैंने फोर मिडल में किए, टू यहाँ से ओके ये मैं पूरी बना के टू ऐड कर, ये देखिए मैंने पूरी बना ली है और एंड पे भी मैं दो स्टिच बढ़ा लूंगी और उसके बाद फिर इन दोनों को बस ऐसे ही इकट्ठा बनाना शुरू कर दूंगी। यानी कि ये मेरा आप ये देखें ये एक पाइंचा हुआ और ये दोनों, अब ये ट्राउजर ऊपर से ऐसे ज्वाइन हो जाएगा और बनना शुरू हो जाएगा इसी तरह डिजाइन को लेके जैसे ऊपर तक आपने इसी तरह बना लेना है। ये देखें मैंने जो इस तरह ज्वाइन करने के बाद जैसे आपको दिखाया था कि चार मैंने यहाँ बढ़ा लिए थे, दो दो मैंने इधर बढ़ाने के बाद ये इसको ऐसे बनाते चली गई, ये दो पौचे आपस में ज्वाइन हो गए हैं और ये देखें इधर से ठीक ये बैक साइड है ऐसे ज्वाइन हो गई है ठीक है। अब हमने ये तकरीबन यहाँ से जब सिल जाएगा ना तो वो अब यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ तकरीबन ये तकरीबन सिक्स इंच तक आप इसको कह लें कि ये इसकी ये बन चुकी है ये बनाने के बाद। और कितने टाइम पैटर्न रिपीट हुआ है ये भी हम आपको देख लेते हैं, इसको देखते हैं वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन नाइनटीन, ये 19 टाइम ये पूरा हो गया है। अब हमने यहाँ पे से ऊपर बेल्ट की तरह बॉर्डर बनाना शुरू करना है, उसके लिए अभी ये तो करेंगे कि अभी हमने यहाँ कोई डिज़ाइन नहीं डिज़ाइन को ख़त्म कर देना है और मेरा धागा यहाँ उल्टी साइड पर आया हुआ है, यह पूरी साइड अब मैं उल्टी उल्टी डाल लेती हूँ। इसमें जो जो हम ये ट्विस्ट करते थे नया डिज़ाइन डालने के लिए वो नहीं करेंगे, सारी सिलाई मैंने इसको उल्टी यानी कि पर्ल करके बना लेनी है इस तरह, ऐसे सारी सिलाई आप उसको उल्टा करके डाल लें सारा कंप्लीट कर लिया। ये देखिए मैंने ये सारा कंप्लीट कर लिया है। अब इसके ऊपर मुझे बेल्ट बनानी है, उसके लिए मैं ये करूँगी थोड़ी सी स्मार्ट लुक देने के लिए कि ये मैं एक तीन बनाने के बाद मैंने दोनों को दो का एक एक कम कर लिया, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स स्टिचेस के बाद फिर मैंने दो को एक कर लेना है इस तरह हल्का हल्के ऊपर जो बेल्ट है वो थोड़ी सी वो वहाँ से स्मार्ट लुक आ जाएगी ना, फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स के बाद मैंने इसको फिर दो का एक कर लेना, इसी तरह हमने पूरी ये कंप्लीट करनी है। यहाँ मैंने तीन छोड़े थे और बाकी मैं छः छः के बाद दो का एक बनाती जा रही हूँ। ये मैं सारे यहाँ तक कम करते करते आ गई हूँ, ये मैंने 19 टाइम में 19 मेरे स्टिच कम हो चुके हैं। यहाँ मैंने कम किया फिर एक दो तीन चार पाँच छः छः के बाद मैंने जब कम किया तो ये पूरा 20 टोटल ऊपर से 20 स्टिच कम हो चुके हैं और ये तीन मेरे स्टार्ट में मैंने छोड़े थे, थ्री ही एंड पे छूटे हैं ठीक है। और ये अब ऊपर से 20 स्टिचेस के साथ थोड़ी सी बेल्ट छोटी हो जाएगी ठीक है, चुनट आ जाएगी और अब इस तरह मैंने इसकी सीधी सीधी सिलाइयाँ डालनी है और इस तरह इसका बॉर्डर बनाना है। अभी तो ये मैं सीधी सिलाइयाँ ही डालूंगी ठीक है। ये देखें मैंने टू टाइम ये रिजेस बना ली हैं, फिर एक ग्रे अप्लाई ग्रे की मैंने लगा ली एक दफ़ा, ये दो दो सिलाइयों पे एक पड़ती है। अब मैं ये करूँगी
अब ये तकरीबन बॉर्डर का मिडल आया हुआ है, यहाँ मैं होल बनाऊंगी ताकि डोरी डाल सके। अब आपने ये एक दफा पूरी सिलाई आपने होल के साथ बना लेनी है। वो कैसे, आपने ये वन बनाया, उसके बाद धागा आगे किया, धागा आगे करने के बाद टू को एक बना लो, एक फिर एक और करने के बाद फिर धागा आगे किया, फिर टू का एक बना लो, फिर एक वैसे ही बना लो, फिर धागा आगे करके टू का एक बना लो, फिर सॉरी फिर एक वैसे ही बना लो। इसी तरह आप पूरी ये रो कंप्लीट करने के बाद पूरी करने के बाद फिर ये भी सीधी सिलाई डालनी है, सारी सीधी सीधी डालनी है। फिर एक दफ़ा मैं ग्रे डालूंगी, फिर ये दो दफ़ा डाल के बंद कर दूंगी और ये मेरा बॉर्डर भी बन जाएगा। ठीक है, ये देखें मैंने उसके बाद उसी तरह एक वो दो ये बनाने के बाद इसको बंद कर दिया और यहाँ से आपस में सी लिया और साइडों से ये सी लिया और ये मेरा पजामा रेडी हो गया। अब मैं इसकी आपको बता देती हूँ, ये इसकी लेंथ कितनी हुई है। इसकी लेंथ हुई है यहाँ से ये 18 इंच है। ये फ्रिल तो जब बच्चा शूज या ट्रेनर कुछ भी पहनेगा तो फिर उसके ऊपर ऐसे आ जाएगा ना, ऐसे 18 इंच हुई है और इनसाइड लेंथ इसकी हुई है 10½। और ये इसका टोटल यहाँ से बना है तकरीबन 8 इंच बना है तकरीबन ये। अब यहाँ जो मैंने होल रखे थे उसके लिए ये मैंने एक डोरी बना ली है। डोरी कैसे बनाई है मैं अभी आपको सिखाती हूँ। अभी तो ये जो बनी हुई डोरी है उसको मैं ऐसे करती हूँ, एक साइड से मैंने जो बांध पकड़ा हुआ है अंदर की साइड से, क्योंकि ऐसे अंदर से शुरू करेंगे, इस एक होल में डालेंगे, नेक्स्ट में निकाल लेंगे, ठीक है, इसमें डालेंगे नेक्स्ट, ऐसे सारे इर्द गिर्द राउंड सारे मैं इसी तरह इस डोरी को डाल लेती हूँ ऐसे। ये मैं डालते डालते एंड पे आ गई हूँ और ये मेरा एंड ये अंदर अंदर को, ठीक है, ये देखिए ऐसे। और ये काफी लंबा है, ठीक ऐसे। अब यहाँ पे आप 2-3 नोट कर लें ताकि मोटे सी, वैसे तो बीड भी लग सकता है ताकि ये निकले नहीं। अगर आपने बीड लगाना है पॉम पॉम, अगर आप बाहर की साइड पे डोरी को रखते हो तो यहाँ पॉम पॉम भी लग सकते हैं। वो मैं इसलिए नहीं लगा रही, मैं आपको इसकी रीजन बताती हूँ। आप इसको अंदर से ऐसे बंद करके बच्चे के और इसको अंदर ही आप रहने दें ऐसे। उसकी रीजन ये है कि हमने ये टॉप के साथ, इस टॉप के साथ ये बनाया है ना, ये अगर यहाँ पे बड़ा सा हो जाएगा, पोम पोम हो जाएगा तो फिर ये जब पहनना होगा ना तो यहाँ से वो उभरा होगा, अच्छा नहीं लगेगा। अगर आप ओनली ट्राउजर बना रहे हो तो आप ऐसा करना कि ये वाली डोरी बाहर को रख के तो उसको पोम पोम लगा लो, नहीं तो वैसे भी डोरी बाहर निकाल सकते हैं लेकिन वो लटकती हुई शायद इतनी अच्छी नहीं लगे। ये थोड़ी सी साइज मुझे बड़ा लग रहा है, मैं ऐसा करती हूँ इतना डोरी का साइज काट देती हूँ क्योंकि ज़्यादा ही कुछ बड़ा हो रहा था। इसको मैं 2-3 नॉट कर देती हूँ ताकि ये उसमें से होल में से निकले नहीं और इसमें पोम पोम, या अगर आपने बाहर की साइड पे डोरी लगानी है तो इसके एंड पे पोम पोम लगा लीजिएगा, वो ज़्यादा अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। अभी तो मैंने इतनी की है और ये इसको फिर ऐसे बंद करके तो इसको अंदर ही रहने देंगे ऐसे। और फिर जब ये बच्चा इसके साथ ऐसे अंदर रहेगी और ये पहनेगा ऐसे तो यहाँ से उभरा उभरा मोटा मोटा नहीं फील होगा। आई होप के जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ वो आपको समझ आ गई है। और जिंदगी रही तो किसी और प्रोजेक्ट के साथ, हाँ नहीं अभी मैं आपको डोरी बनाना सिखा दूँ। डोरी को सिंपल मैंने ये किया कि पहले धागे को डबल किया ऐसे। अभी मैं छोटा सा आपको डेमो दे रही हूँ और एक मेरे पास ये ऐसे ही एक मेशर सा था, उस बेसिकली मुझे ये एक हैंडल चाहिए था ताकि मैं उस हैंडल को ले सकूं। वैसे तो मैं अपने पाँव का थंब लेके बैठ के बना लेती होती हूँ बड़ी बड़ी साइज की डोरीज,
लेकिन कैमरे में भी आपको दिखाना होता है तो चीज कैमरे में फील नजर भी आए, तो उसके लिए जरा थोड़ा सा ये मैंने ऐसे किया, इसको हाफ हाफ में स्प्लिट करके इसको ऐसे बांध लिया। ठीक, अब दो में बांध ले, डबल कर ले। अब मैंने इसको एक साइड से ऐसे ट्विस्ट करना शुरू कर दिया, इस साइड पे, एक साइड पे हाथ के, ना ऐसे मैं दिखाती हूँ, इस साइड एक हाथ से इधर को, यानी कि मैंने अपने, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, मैं लेफ्ट की तरफ ऐसे ट्विस्ट कर रही हूँ। ठीक, लेफ्ट साइड पे जितने आप मैक्सिमम इसको ट्विस्ट कर सकते हो आप कर ले। ये देखे, ये ट्विस्ट हो गया, इसको थोड़ा सा और कर देती हूँ, ये सारा ट्विस्ट हो गया मेरा। अब इसको मैंने, इसको अच्छी से मजबूती से पकड़ लेना है, इसको मैं अपने छोटी उंगली के गिर पकड़ती हूँ, इसको मैंने इससे छोटा अच्छा सा पकड़ लिया, और ये फिर दूसरी को भी, दूसरे वाले को भी उसी लेफ्ट साइड पे, दोनों को मुझे अपने लेफ्ट साइड पे, मैंने राइट अगर कर ले आपका, अगर आप लेफ्ट हैंड है तो राइट कर ले, जैसे भी है, लेकिन एक साइड पे ही दोनों करने हैं, जितना मैक्सिमम आप इसको भी बल दे सकते हो। अब जब दोनों बल आ गए, इनको दोनों को इक्वल करके पकड़ने के बाद, अब आपने राइट साइड पे, ऑपोजिट साइड, राइट साइड में बल देना शुरू कर, ओहो, इसको राइट साइड पे बल देना शुरू कर दे, ये ऐसे, मेरे हाथ से मैसेज छूट गई थी तो वहां से लूज हो सकती है, लेकिन कोई नहीं, मेरा मतलब आपको समझाना था। वैसे तो क्रोशिया के साथ भी मैं बना लेती होती हूँ डोरी डबल करके, जिसको आप जब बांधोगे और इसको निकालोगे तो ये देखें, ये डोरी आपकी बन जाएगी ऐसे। ये थोड़ी सी नीट इसलिए नहीं बनी कि मेरे से हाथ से छूट गई थी। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी तरह आप डोरी बना के इसमें इसमें डाल लें, और अगर तो आपने ओनली बनाना है तो डोरी को बाहर साइड पे निकाल के आप इसको टाई करके इसको पोम पोम लगा सकते हो। तो अगर वैसे ही इस तरह मेरी तरह बनाना है तो आप अंदर रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, इंशाल्लाह किसी और प्रोजेक्ट के साथ मिलते हैं, उतनी देर के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।